पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ शहर की पुलिस ने तीन ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी रेकी करते हुए इलाकों में घूमते थे और जिस घर का भी दरवाजा खुला होता था वहां घुसकर कीमती सामान चुराकर फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने बताया कि इन चोरों का एक गिरोह है जो तमिलनाडु का रहने वाला है। कथित आरोपी तमिलनाडु से पुणे आते थे और फिर चोरी कर वापस भाग जाते थे। आरोपी कुछ दिनों के अंतराल में इलाके में आते थे और फिर चोरी किया करते थे। एक बार चोरी करने के बाद 3 से 4 दिनों तक उस इलाके में बिल्कुल नहीं आते थे। पुलिस ने कथित गिरोह के 3 साथी सदस्यों को धर दबोचा है, जिनकी पहचान गुणशेखर शंकर, तमिलारासन आदेश और सौंदर्यराजन गोविंदन के रूप में हुई है। सभी आरोपियों की उम्र लगभग 21 साल है। पुलिस ने चोरी के 23 मामलों का पर्दाफाश करते हुए इन आरोपियों के पास से चोरी किए गए 60 मोबाइल फोन और 14 लैपटॉप समेत कुल 14,30,000 का सामान बरामद किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और चेन स्नैचिंग के भी कुछ इंसिडेंट बड़े थे, तो माननीय सीपी सर ने आदेश दिए थे कि जैसे हम लोग इवनिंग पेट्रोलिंग करते हैं वैसे मॉर्निंग में भी पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए थे। मॉर्निंग पेट्रोलिंग के दरमियान वाकर डीबी को एक इसम्स सस्पिशियस जाते हुए मिला था और कुछ फुटेज हमें इसके पहले मिले थे। उस फुटेज जैसा ये इसम मिलने के बाद उन्होंने इंट्रोगेशन किया, उसका लैंग्वेज तमिल होने के कारण हमारा एक जो अमलदार है उनको भी तमिल लैंग्वेज आती थी, उनके मदद से इंट्रोगेट करने के बाद पता चला कि इनके और कोई दो साथीदार है और ये सब लोग मोशी में एक रूम में रहते थे और ऐसी चोरी करने के बाद वो सब मोबाइल और लैपटॉप तमिलनाडु में भेजते थे। तो इसमें जब हम लोगों ने मोशी में रेड किया तो मालूम पड़ा कि कुछ लोग जो है ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके हैं, तो उनको ट्रैक करने के बाद एक ट्रैवल में वो जा रहे थे। उस ट्रैवल को ट्रैक करने के बाद हमारे डीबी और ऑफिसर ने उनको कातरस के परिसर में उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद तमिलनाडु में जाके वहाँ से भी कुछ मोबाइल और लैपटॉप रिकवर किए हैं। कुल मिला के 60 मोबाइल और 14 लैपटॉप जिसकी कीमत 14,30,000 है और 23 ऑफेंसेस इस टीम ने सब ओपन किए हैं। इसमें हमारे एसीबी साहब, हीरे साहब, जवादवाड़ साहब, साड़ुंगे साहब और पूरी डीबी की जो टीम है उसमें संतोष पाटिल है, चौहान हमारे साहब है और बाकी पूरे अमलदार, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये डिटेक्शन किया है। उन सभी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ और उन्हें रिवार्ड जाहिर करता हूँ। थैंक यू।